तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और ये है हवा महल। जी हाँ, जयपुर का हवा महल। अब जयपुर में हवा महल के साथ कचौड़ी बहुत फेमस है भाई, प्याज की। ये तो कोरोना चल रहा है, बार बार जयपुर तो नहीं जा सकते, चलिए घर में बनाते हैं बिल्कुल उसी अंदाज में, उसी टेस्ट में। तो जी क्या करना है, 1.5 से 2 कटोरी जितना मैदा लेना है। सबसे पहले मैदा, क्योंकि मैदे से ही बनती है कचौड़ी, आटे से नहीं बनती भाई। जो चीज जैसे बनती है वैसे बनाए। ये रही अजवाइन, इसको जरा मैश करके हाथ पाथ से डाल दीजिए भाई। ये लीजिए अजवाइन, इसके अंदर गई, ये गया। इसमें थोड़ा सा नमक सॉल्टी के लिए, और ये गया इसमें, ये अमूल का शुद्ध देसी घी डाल रहे हैं इसमें। ये देखिए जी, करीबन 20-30 ग्राम जितना डाल दीजिए। अब तेल में और घी में फर्क होता है, जो तेल डाला जाता है जब किसी चीज में तो वो उसको ढीला रखने के लिए किया जाता है, और जो घी डाला जाता है उससे आता है कुरकुरापन, खस्तापन। तो कचौड़ी बना रहे हैं तो इसमें जाएगा घी, तेल मत डालिएगा बिल्कुल भी। चलिए इसको गूंद लेते हैं आटे को। इसको गुनगुने पानी से दोस्तों गूंधा है यहाँ पर, और ये कम से कम इसको 5 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। या आप एक काम कर सकते हैं, आप रात में आटा लगा दीजिए मैदे का, और सुबह गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खाइए, मज़ा आ जाएगा आपको। ये लीजिए जी, उठा पटक शुरू हो गई है। अब मैदे को पीटना बहुत ज़रूरी है, पिटाई नहीं जब तक होती मैदे की, तब तक मैदे का जो फ्लेवर है वो आता नहीं है भाई। चलिए इस पर तेल लगा दीजिए थोड़ा सा, और इसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए, सुबह देखेंगे क्या करना है। चलिए ले लिया है एक पैन, पैन में गया तेल, रिफाइंड है वही फॉर्च्यून भाई, और कोई ब्रांड है नहीं। ये गया धनिया, खड़ा धनिया इसके अंदर जाएगा। ये ले ली है करीबन 1.5 प्याज 1 प्याज, हरी मिर्चा गई इसके अंदर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे भैया, हल्दी बहुत ज़रूरी है। चलिए हल्दी हो गई, अब क्या करना है, अब ये डाल दिया इसमें नमक सॉल्ट इसके अंदर, और ये थोड़ा सा अमचूर पाउडर खटास के लिए। अब इसको थोड़ा सा भून लीजिए। अब जी प्याज की कचौड़ी में सिर्फ प्याज नहीं होता, उसमें आलू बाइंडिंग के लिए ज़रूर होता है। तो यहाँ पर एक आलू ले लिया है, और इसको अच्छे से दोस्तों मैश करना है। आलू और प्याज एक साथ होने बहुत ज़रूरी हैं, आलू में बिल्कुल भी गुठली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल महीन 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 कर लीजिए, हाथ से कर लीजिए, ठंडा हो जाए तो दोबारा मैश कर लीजिए। ये धनिया पत्ती डाल दिए भाई, पंजाबी हैं, बिना धनिया के तो कोई काम ही नहीं करते। इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है दोस्तों फिलिंग को। चलिए अब ये पेड़ियाँ तोड़ लेते हैं। अब देखिए इसको बेला वेला नहीं जाता भाई, ये बेल के नहीं बनती हैं, ये हाथ से बनाई जाती हैं। इसको इस तरीके से फ्लैट कर लीजिए, बीच में ये थोड़ा सा मोटा रहेगा और साइडें इसकी थोड़ी सी पतली रहेंगी। ये देखिए थोड़ा सा वक्त लगता है, आपको सब पहले कर लीजिए, ये चारों पांचों जितनी आपकी बने। ये लीजिए, ये इस तरीके से देखिए ये हो गया। अब गई इसके अंदर ये पिट्ठी यानी फिलिंग, टाइट कर दीजिए इसको और ऊपर से दबा दीजिए, बंद कर दीजिए इस तरीके से हाथ में लेके, इजीली बंद हो जाएगा। इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको फोल्ड कर दीजिए। अब इसको आकार देना है, हाथ हाथ से ही देंगे, हथेलियों से दबाइए, लगभग 3 से 4 इंच बराबर कर लीजिए, इस तरीके से हो जाएंगी, सब तल लीजिए। अब ये तेल, ये बहुत तेज गर्म नहीं है, ये मीडियम है। जो खस्ता होता है और कचौड़ी होती है वो मध्यम आंच पे ही तली जाती है। करीबन 9 मिनट लगेंगे इसे तलने में, एक एक करके थोड़ी थोड़ी डाल दीजिए, एक बार में 4-5 से ज़्यादा मत डालिएगा, तेल ठंडा हो जाएगा और आपके खस्ते सही नहीं बनेंगे। चलिए ये देखिए हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होना शुरू हुआ है दोस्तों, 8-9 मिनट ज़रूर लगेंगे, 4-4, 5-5 मिनट बाद ही इसको पलटिएगा, ये जल्दी का काम नहीं है। और जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा, बिल्कुल शानदार कचौड़ी बनेगी, आप लखनऊ में बैठे बैठे जयपुर का मजा लेंगे। और दोस्तों ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गई है। चलिए दोस्तों प्लेटिंग कर लेते हैं इसकी, अपना ख्याल रखिए, कोविड चल रहा है, सारे नियम कायदे कानून मानिए भाई, हाथ धोते रहिए, मास्क लगा के रखिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए,
और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में दोस्तों हो सके तो मत जाएं, अवॉइड करें थोड़े टाइम के लिए। ये देखिए इसको इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे, देख रहे हैं आप, परत दर परत बिल्कुल खुल गई है। बहुत अच्छा मैदा जो है वो ढला है, मैदे का ढलना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए ओवरनाइट छोड़ा था। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक ये चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, और भाई अपने दोस्तों को भी जरा ये लिंक फॉरवर्ड कर दिया करिए, उनसे भी कहा करिए शेयर कर लें, वो भी बनाएंगे, वो भी खाएंगे, सब साथ में खाएंगे, एंजॉय करेंगे। देखिए कितनी बेहतरीन लग रही है, हरी चटनी यहाँ पे डाल दी है, और ये थोड़ा सा गलका। टेक केयर।